Hi guys and welcome back to my channel once again. This is Avantika welcoming all my happy faces. मेरे channel पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. और आज मैं इतना ready क्यों हूँ? Because we are going to a party and आपको detail बाद में दूंगी क्योंकि बहुत late हो चुके हैं. Time already हमारा हो गया है निकलने वाला. I just want to say welcome back to the family. Thank you for subscribing my channel for all the new subscribers. Yeah, welcome. This is Avantika. एंड जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम पर आकर आपसे मिलना है. ठीक है, सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना. बिना सब्सक्राइब करे आप नहीं जाओगे, मैं जाने नहीं दूंगी. ठीक है, तो मिलते हैं वहाँ पे. क्या करेंगे, क्या क्या होने वाला है. आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी हैव गॉन टू सम पार्टी. सो लेट्स जस्ट सी. या सो फाइनली दिस इज़ अ सोल्यूशन टू ऑल माई प्रॉब्लम कि अभी जो मेरे बाल बहुत बिखर रहे थे एटलीस्ट अब ज़्यादा बेटर रहता है. परफ्यूम ये वाली लगा रही हूँ डेविड ऑफ की जो जीजू लाए थे मेरे लिए. मैंने ये वाले हील्स पहने हैं कैट वॉक के. चलो ये छोड़ के सब जा रहे हैं. सो गाइज वी हैव फाइनली प्रोसीडेड टूवर्ड्स आर डेस्टिनेशन और हम यहाँ पर निकल चुके हैं पूरे रेडी होने के बाद. और आप देख सकते हैं आई एम वेयरिंग ऑल ब्लैक एंड आई हैव मैच्ड विद ब्लैक इयर रिंग्स टू. और हम पहुँच गए हैं नीचे और अब हम चलते हैं जल्दी से क्योंकि भाई बहुत देर से वेट कर रहा है और गुस्सा हो रहा है. सो गाइज एज आई मैंशनड आई हैव एंटर्ड दिस प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई मस्ट से द प्लेस वॉज रिमार्केबल. बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था और मज़े की बात अब आने वाली है. हम लोग यहाँ से निकल लिए थे, सीधे पहुँच रहे थे ऊपर. आधे रास्ते पहुँच के हमें पता चला हमारा गिफ्ट कार में ही रह गया है. फिर हम लोग नीचे आए हैं और जो पापा की डांट हम लोग को पड़ी है ना, मैंने कहा चलो इतनी देर में फिर से मैं जल्दी से डेकोरेशन का कवर कर लूँ. और यहाँ से ये मेरा भाई वापस आ गया था और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था. इसने हमें अकेले ऊपर जाने ही नहीं दिया, कहा साथ में चलो सब वापस लेकर आएंगे. एंड वी हैव फाइनली रीच्ड टू द रेस्टोरेंट एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द प्लेस. एंड एज माय डैड ओपन्ड द डोर द सीन वाज स्पेक्टेक्युलर. एज आई सॉ इट आई वाज लाइक एक्साइटेड लाइक अ स्मॉल किड. यार इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना मैं देखे बिकॉज इट वॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वॉज अबाउट टू अटेंड अ किड्स बर्थडे पार्टी. एंड मतलब मुझे अपना बचपन याद आ गया था. आई वॉज लिटरली फैबगैस्टेड यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इतना क्यूट सा डेकोरेशन देख के. मैंने हर वॉल कवर करी और ये जो वॉल थी ना ये मुझे इतना अच्छा विंटेज फील दे रही थी ना 1986 वाला. सीरियसली बहुत अच्छा डेकोरेशन लगा मुझे. सो द एंटायर डेकोरेशन ऑफ दिस हॉल वॉज सो कैप्टिवेटिंग एंड स्प्लेंडेड एंड द लाइटिंग अरेंजमेंट आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव लिटरली फॉलन फॉर इट. सो आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन जो सबसे पहले अराइव करें यहाँ पर. तो हमने कहा चलो फ़ायदा उठाते हैं और फोटो क्लिक्स करी हमने, फोटो क्लिक करी हमने और वीडियो शूट कर लिया तब तक के लिए. एंड अरेंजमेंट इज़ रियली गुड. बहुत अच्छी जगह है यार, हम मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतना अच्छा अरेंजमेंट है. सो इट्स नाइस, प्रीटी नाइस. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride.
ट्रस्ट मी गाइज, इफ आई टेल यू राइट नाउ दैट द स्टार्टर्स वर सो यम, आप मेरा यकीन नहीं करोगे जब तक मैं आपको खिलाना दूँ. लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब मैंने खाना शुरू करा था, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इतना यमी होगा. एंड द सॉसेज यार इतने, वो भी काफ़ी स्पाइसी एंड काफ़ी यू नो सार थे, वो भी बहुत ही अच्छे टेस्ट में थे. उसके बाद हम डायरेक्टली हमने अटैक करा नूडल्स पे. भाई लेके आया चाउमीन, मैंने कहा मैं टू मच ईटिंग ना कर लूँ, तो मैंने भाई के साथ शेयर करा और ये रहा मेरा फर्स्ट बाइट. और बहुत ही अच्छा यार, ये भी बहुत ही सिंपल सा था, सटल सा, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, वेरी नाइस है. और उसके बाद आता है हमारा मंचूरियन. मंचूरियन बॉल्स वर टू यम, और इसके साथ जो ग्रेवी थी ना, दैट वाज टू स्पाइसी. सो दैट मीन्स, आई मीन इट वॉज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ नूडल्स एंड यू नो मंचूरियन. जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो ना एक परफेक्ट स्नैक को, ये बिल्कुल वैसा था आपका स्टार्टर. सच में यार, मेरे को खा के बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया था. और ये रहे हमारे क्यूट से बर्थडे बॉय के मम्मी पापा. और ये आ गए हमारा केक, अरे मैंने आइसिंग में हाथ लगा दिया. दीदी क्या था आपको बहुत अच्छा बना था. एंड फाइनली द फूड वॉज लेड ऑन द टेबल एंड ट्रस्ट मी आई वॉज ड्रूलिंग. मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, बट उससे पहले मुझे डांस कवर करना था, तो चलो डांस देखते हैं. उधर का शूट खत्म करने के बाद हम लोग इधर पहुंचे डिनर करने, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे डिनर का. हम लोग को बहुत भूख लग रही थी, एंड सिंस आई एम ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, मुझे तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है. और इतना अच्छा खाना देखने के बाद आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ. तो इट वॉज़ वेजिटेरियन, काफ़ी वराइटी थी, एंड ब्रेड्स में दे हैड दिस बटर नान एंड पूरी. एंड मैं आपको ने आपको बिल्कुल भी नहीं रोक पाई, और मैंने अपना खाना सर्व कर लिया था. यहाँ पर मेरे पास था ये इट्स शाही पनीर मेरे पास था, और मिक्स वेज था, पाइनएप्पल रायता विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, मटर पुलाव था हमारे पास, पापड़ और छोले. क्या नहीं था यार, इतना कुछ था. एंड लिटरली मैं आज भी मैं याद कर रही हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा मुँह में पानी आ रहा है, मैं भूल नहीं पा रही हूँ. पूरी के साथ वो छोले का जो फ्लेवर आ रहा था ना, वेजिटेरियन खाना का तो अपना अलग ही मज़ा है यार. बस मन कर रहा था खाते ही जाओ, मतलब लिटरली मैं बता नहीं सकती. मैं आज खुद को याद करूँ, मुझे लग रहा है यार मैं फिर से चली जाऊँ एक बार खाने के लिए, इतना अच्छा खाना बना था. येस, एंड हियर आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक, बट मैं बोल नहीं सकती थी क्योंकि म्यूज़िक बज रही थी. एंड फॉर द पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, मैंने गाना इसलिए नहीं यहाँ पे डाला है बिकॉज हम लोग के वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी वजह से हमें गाने हटाने पड़ते हैं. एंड दोस्तों, अब वक्त हो चला था हमारे घर वापस जाने का और इन सबको बाय कहने का. हालांकि मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, बट द नेक्स्ट डे आई हैड वर्क, सो आई हैड टू लीव.
सो हमने बर्थडे बॉय के मम्मी पापा को कहा बाय बाय और मैं अपने मम्मी पापा और भाई के साथ निकल गई। बहुत गर्मी नीचे आती, जैसे अंदर तो ऊपर एसी चल रहा था लेकिन नीचे आती बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो अब बस हम लोग निकल रहे हैं, वो रही हमारी कार, बस अब निकलते हैं। ओह गॉड, आज बिकॉज मेरी फास्टिंग रहती है तो मैं डिनर हमेशा स्किप करती हूँ, तो आज मैंने इतना खा लिया और खाना सच में इतना अच्छा था। द फूड वॉज अमेजिंग एंड आई एम सो आई एम टायर्ड, आई एम सो स्लीपी नाउ। घर पे मिलती हूँ आपसे, एसी में मैं सब बात नहीं हो रही क्योंकि इतनी स्वेटिंग हो रही है। चलो मिलती हूँ, आई फिक्स माई कैमरा हियर एंड देन टॉक। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक, आई एम होम एंड हम वापस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। खाना हमने यहाँ तक खा लिया क्योंकि मेरी तो इंटरमिटेंट फास्टिंग रहती है तो मेरा डिनर हमेशा स्किप रहता है। मैं 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खा सकती, 7:30-8 बजे के बाद, लेकिन आज का खाना इतना टेम्पटिंग था ना, राइट फ्रॉम द स्टार्टर्स टू द मेन कोर्स, लाइक यार एवरीथिंग एंड द डिजर्ट टू। हालांकि मैंने नहीं खाई लेकिन हाँ मैंने देखा था काफ़ी कुछ वैरायटी थी वहाँ पे, गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, सो बहुत ही कुछ था। एंड केक भी बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग बना हुआ था। एंड आई जस्ट विश वो छोटू सा जो बॉय है, आई विश आप लोग उसको अपनी ब्लेसिंग्स दें प्लीज़, क्योंकि बहुत ही क्यूट है। और जैसे उसने एंट्री ली थी बहुत ही धमाकेदार एंट्री थी, मैं कवर नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गई थी, बट देन It was amazing day and so was the party. So इस vlog को एंड तक देखने के लिए thank you so very much, अपना प्यार दिखाने के लिए, इस family में add होने के लिए और continuously मेरे shorts को and videos को इतने views and likes देने के लिए। And thank you so very much for the people who keep on commenting on my channel. Thank you so much, आप इतना comment करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। इस family को आगे बढ़ाते रहिए, इसमें और मेंबर्स को ऐड करते रहिए, दिस इज़ नॉट ओनली माइंड बट योर फैमिली टू। सो चलते हैं सोने, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।